ज़्यादा अच्छी लग रहे हैं ना। तो गाइज़ आज का कोई ऐसी ब्लॉग नहीं था, मैंने कि ऐसी वीडियो अपलोड करनी थी। ये ब्लॉग मेरा एक ऐसी मकसद से कि जो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं मेरी तरह, तो ये मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ। फिलहाल मेरा यूट्यूब चैनल बहुत छोटा है, मुझे देखते बहुत कम लोग हैं, लेकिन हो सकता है शायद इस वीडियो की वजह से किसी की मदद हो जाए। तो यार स्टार्ट इस चीज़ से करते हैं कि देखो, जब आप कोई चीज़ करते हो ना, तो आप उस चीज़ का पहले जुनून रखते हो, आप सिर्फ डीमोटिवेट होते हो। जैसे अब आप कोई गेम खेल रहे हो, अब आपको उस गेम से कोई अर्निंग हुई है, कुछ भी हो रहा है, अब आप वो गेम खेलते हो, आपने वो गेम खेल लिया, अब आप कहते हो यार मैं क्या करूँ यार, इसका अर्निंग का ये सब कुछ होता है, ये होता है, आप डीमोटिवेट हो जाते हो क्योंकि आप इस चीज़ को मुश्किल समझते हो। लेकिन मुश्किल जो है सिर्फ लफ्ज़ है, कोई असलियत में ये चीज़ हो नहीं सकती, क्योंकि अगर आप अपनी हिम्मत रखोगे तो आपके लिए सब कुछ आसान है। तो अगर आप ये सब कुछ झेल लेते हो तो आप कर लेते हो। जैसे बहुत लोग हैं, अब मैं भी बहुत दफ़ा डीमोटिवेट हो जाता हूँ, जैसे अगर कभी कभार मैं कोई मुश्किल चीज़ करता हूँ, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कि मैं इस वीडियो को बनाने के बाद जो है यार वीडियो बेकार बनी यार मैं डालूंगा तो लोग क्या सोचेंगे क्या कहेंगे, मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं हिम्मत पकड़ूंगा कि ये वीडियो मुझे अच्छी लगी है तो लोगों को भी पसंद आएगी तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। अगर मैं आज डीमोटिवेट हो गया होगा तो आपके सामने नहीं होता मैं, बेशक जितने भी छोटी हैसियत से हूँ, लेकिन बस मैं हूँ और मुझे बहुत खुशी है यार। मैं जिस भी स्टेज से हूँ इंशाल्लाह और भी ज़्यादा कामयाब हूँगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी वीडियो से लोग कुछ सीखें, मेरी बातें सुनें, और मैं ये चाहता हूँ कि लोग मेरी वीडियोस में दिलचस्पी लें, क्योंकि जो भी इंसान डीमोटिवेट होता है और हार मान लेता है वो कभी कामयाब नहीं हो पाता। लेकिन चाहे उस बंदे को 6 साल लग जाए या फिर 6 महीने लग जाए, अगर उसकी ज़िंदगी में कामयाबी लिखी होगी तो लिखी होगी और वो मेहनत करता रहेगा। अगर आपने मेहनत नहीं की, आपने सोचा यार ये इतने लोग हैं यार इतनी जल्दी फेमस हो गए, जो ना जो और भी इरफान भाई ठीक है, अगर ये लोग जल्दी हो गए, हमारी किस्मत तो जल्दी नहीं, हम तो 2 साल से कर रहे हैं, अभी तक सिर्फ 1,000 हैं 2,000 हैं, यार ये क्या होता है। आपके 1,000 2,000 एक साल में, हो सकता है आपके अगले साल 1 मिलियन तक पहुँच जाएँ, आप थोड़ी ना जानते। आप मेहनत करते रहो, और सीरियसली यार अगर कभी तुम्हें लगता है ना कि तुमने कुछ गलत नहीं किया और लोग तुम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जैसे मेरे साथ तो बहुत दफ़ा होता है कि मैं कुछ गलत नहीं करता, मेरे ऊपर लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं कि यार तुमने किया है, तो मैं फिक्र नहीं करता ना, मैं उनसे आगे आके लड़ता हूँ कि छोड़ निकल यहाँ से, मैंने तेरे को कुछ कहा है, ऐसे करके मैं लड़ता नहीं उनसे। मैं कहता हूँ छोड़ो, मैंने कुछ किया नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे साथ मेरा खुदा है, आगे जाके मेरे लिए ठीक ही होगा और ठीक ही होता है। अगर मैं उनसे लड़ने बैठ जाऊँ कि चल निकल यहाँ से दूर छोड़, मेरे ताल्लुकात ख़राब होंगे, वो लोग मुझे गलत समझेंगे। अगर मैं खामोशी से उनके पास से चला गया और आगे जाके सब कुछ सच सामने आ जाएगा, क्योंकि खुदा हमेशा सच के साथ होता है और सच सच होता है। अगर मैं सच में हुआ तो खुदा मेरे लिए बेहतर करेगा, मैं गलत हुआ तो मेरा बुरा होगा। तो अगर आप बुरा सोचते हो तो बुरा होता है बुरा, और अच्छा करते हो तो अच्छा होता है। तो यही कुछ चीज़ें हैं यार जो मैं कहना चाहता था। और अगर आप कभी भी कोई डीमोटिवेट हो, और मेरी इस वीडियो से अगर कोई बंदा मोटिवेट हो जाए जो अभी डीमोटिवेट है किसी भी चीज़ के लिए, एग्ज़ाम्स किसी भी चीज़ के लिए, तो यूट्यूब ने किसी भी चीज़ के लिए, और वो दोबारा मोटिवेट हो जाए मेरी इस वीडियो देख के, तो यार मेरे लिए तो इस वीडियो से बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। अब बेशक इस वीडियो को 10 व्यूज आए, 10,000, अगर ये वीडियो 10 लोगों ने भी देखी तो 10 में से किसी एक ना एक बंदे का तो फ़ायदा हो ही जाएगा। और एक इंसान को मुतमईन करना एक बहुत मुश्किल काम होता है, ख़ासतौर पर मेरे जैसे छोटे क्रिएटर के लिए। तो